टर्म बेटा, कंडक्टेंस बेटे जो टर्म है इसको बेसिकली हम बेटे कैपिटल जी से अपने जो न्यूमेरिकल पर्पसेस और अदरवाइज थ्योरेटिकल पर्पसेस है उनके लिए इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं बेटा। और कंडक्टेंस जो है इट मे बी बेटे डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, एज द रेसिप्रोकल कह लीजिए आप, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कैपिटल जी फिर आपका बेटे रेजिस्टेंस का जब आप उत्तर रेसिप्रोकल करोगे इट विल बी वन बाई रेजिस्टेंस बेटा, और कैपिटल जी फिर आपके पास वन अपॉन आर इसके डायरेक्टली बराबर आपका आ जाता है। अगर यूनिट्स की बात कर लें इट विल बी ओम इनवर्स और साइमन आप जैसे कहा करते हो, इट मे बी ओम इनवर्स या आप इसको बेटा साइमन बोल लीजिए, एस से डिनोट कर सकते हो आप। देन बिल्कुल मिलती जुलती टर्म इसके साथ बेटे हमारी है, दैट इज कंडक्टिविटी बेटा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को बेटे हम हमारा जो टर्म है सिग्मा लेटर से डिनोट करेंगे। एंड बेटे जो कंडक्टिविटी है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी बेटा। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आपने बेटे रो से डिनोट किया था और कंडक्टिविटी फिर आपका जो है कंडक्टिविटी दिस इज वन बाई रो एंड सिग्मा आपका वन बाई रो के बराबर आ जाता है। और आपका जो रेजिस्टिविटी है ओम मीटर इसका बेटे आपने यूनिट डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो इट विल बी हैविंग यूनिट्स बेटा ओम इनवर्स एंड बेटा मीटर इनवर्स, या आप इसको साइमन मीटर इनवर्स भी बेटा बोल सकते हैं। सो इन दिस मैनर बेटे आप ये जो दो बेसिक टर्म्स हैं हमारी इनको डिफाइन कर सकते हो इन रिलेशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस एज वेल एज बेटे रेजिस्टिविटी। ब्रीफली रिपीट करूंगा मैं, कंडक्टेंस आपका सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन कंडक्टिविटी जो है इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ योर टर्म रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा। अब बेटे जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, आप करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर सिग्मा कंडक्टिविटी इनको कैसे रिलेट कर सकते हो बेटा। सो लेट अस है बेटे रिलेशनशिप बिटवीन जे सिग्मा एंड ई बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जे सिग्मा एंड बेटे ई। डियर स्टूडेंट्स बिफोर आई प्रोसीड विद द डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द फैक्ट दैट जे दिस इज बेटे योर करंट डेंसिटी, sigma this is your beta conductivity and e this is beta the strength of the electric field you have beta applied as such. Now beta in order to have this relationship derived we will be beginning with the formula for the current that I is equal to n e a v d. This relationship you derived just in the beginning beta, current ka formula aapne bilkul shuru mein hi derive kar liya tha। एंड बेटे एट द सेम टाइम जब आप इसको डिराइव कर लेते हो आपने एक और भी रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डिराइव किया था, ई इनटू टाउ अपॉन एम बेटे। दोनों रिलेशनशिप्स आपने बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में जो है इनको डिराइव कर लिया था। अब ये वाला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग
the value of V drift in equation 1. हमारे पास dear children I जो है it will be N E A और V D को आपने dear लिखा E into tau upon M beta. अब देखिए बेटे आपके पास आपने current density को relate करना है furthermore आपके sigma and जो आपका J है इसके साथ. सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास J term बन नहीं रहा यहाँ पे. आप इस A को shift करके इस left side पे ले जाइए. I upon A this is equal to N as such रह गया. E into E will be E square capital E into tau upon M beta. बहुत ही ध्यान से देखेंगे फिर से बेटा. कैपिटल ई को मैं कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं चेंज करता, इसको एज सच रखता हूं. बाकी ये जो तीन टर्म्स हैं इनको मैं अगर डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लूं तो आई विल बी हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ दिस फॉर्म दैट इट इज इक्वल टू ई अपॉन एम बाई एन ई स्क्वायर इनटू टाउ बेटा. जरा चेक करिए, देखिए, सोचिए, समझिए इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी को. आपको याद होगा हमने जब डिराइव किया था इसको we called it as a current your resistivity rho या specific resistance rho आपने बोला था इसको. so ये I upon A आपका current per unit area, this is current density J बेटे, और ये आपका electric field E as such आ गया, and this is your बेटा rho. अभी अभी हमने reciprocal of the resistivity के बारे में बच्चों बात की है. J आपके पास फिर आ जाएगा वन अपॉन रो, इसको पुत्र मैंने अलग से लिख लिया, E को एस एच रहने दिया. दिस वन अपॉन रो जो है दिस इज इक्वल टू सिग्मा, सो J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E. दिस इज द रिलेशनशिप विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड बेटा. मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, ये रिलेशनशिप सीबीएसई में बहुत बार डिराइव करने को कहा गया है ऑलरेडी और पूछा जाता रहेगा. तीन नंबर में आ जाए, टू मार्क्स में आ जाए, आपको ये सारे के सारे जो फ्यू स्टेप्स हैं ये लिखने पड़ेंगे. यू विल बिगिन विद दिस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू N इनटू E इनटू A इनटू V इनटू D. BD इज योर E इनटू tau अपॉन M. सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, A को शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट साइड पे जैसे हमने यहाँ पे किया था. देन न्यूमिनेटर में E को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लीजिए. तो ये चीज आपकी जो है दिस इज नथिंग बट योर बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, और रो को आपने अलग से बेटे इस तरीके से सेपरेट करके लिख लिया. एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट योर बेटा कंडक्टिविटी. सो इन दिस वे आप अपना ये वाला रिलेशनशिप जो है ये वर्कआउट कर सकते हो. कई बार सीबीएसई में बेटा आपका जो रो है, म्यू है, एन है और ई है, इनको रिलेट करने को भी कहा जाता है. दिस वाज अवर रिलेशनशिप वन बेटा. बेटी आदित्य बेटा, इज इट ऑल क्लियर? आदित्य, यस सर, क्लियर है. कोई इसमें बेटे प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लग रही किसी भी स्टूडेंट को? नो सर. ओके बेटा, रो एन ई एंड म्यू को फिर कैसे रिलेट करेंगे? एनी अदर चाइल्ड बेटा? आई कैन सी आदित्य, ध्रुव, पावन, सिया एंड तनवीर, वंशिका, भूमिका, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, राधिका, रोहन भारद्वाज, सक्षम शर्मा एंड सुप्रिया बेटा. किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैट बेटा. ओके, आई होप दैट सॉल्व वेल. आइए बेटे, प्रीवियसली दो तीन बार सीबीएसई में ये रिलेशनशिप पूछा गया था. एक इसके साथ छोटा सा रिलेशनशिप और रिलेटेड है, दैट इज आल्सो समटाइम्स आस्क्ड दैट हाउ यू कैन रिलेट या गिव रिलेशन या गिव या डिराइव भी कह सकते हैं, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड एन ई म्यू. रो आपका बेटे जो है this is nothing but your beta specific resistance or resistivity. N and E and mu, N aapka number of electrons per unit volume, aur beta E
This is the charge on the electron mu. This is the mobility of the electron. आप जानते हैं मोबिलिटी म्यू जो है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने ऑलरेडी कर रखा है मोबिलिटी का कंसेप्ट विद द डिस्कस. सो प्रेजेंटली अभी अभी हमने जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई विटे डिराइव आपने अभी अभी किया. इन केस आपको तीन नंबर में ये रिलेशनशिप पूछा जाए तो जो आप रिलेशनशिप ये वाला डिराइव करके हटे हो, आपको ये रिलेशनशिप जो है ये जरूर लिख देना चाहिए. दो चार स्टेप्स जो हैं आपके, इनको आपको जरूर कर देना चाहिए बेटा. अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा. जे इज इक्वल टू वन अपॉन रो इंटू ई कर दूं बेटा. यही हमारा सेकंड लास्ट स्टेप था. और पुत्र इसको मैं इधर ले जाता हूं, जे को इस तरफ ले आता हूं. आइए देखें फिर क्या होगा. रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई द करंट डेंसिटी बेटा. बेटे करंट डेंसिटी जे आपका जो है आप ऑलरेडी कर चुके हो. आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आपने अभी अभी किया था. एन ई ए वी डी इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इधर. आई अपॉन ए एन ई वी डी पुत्र आ जाएगा. इसी को आप जे बोला करते हो ना बेटा. जे इज इक्वल टू एन ई वी डी अगर तो याद रहे बहुत अच्छी बात है. सीधा पुट कर दीजिए. नहीं याद रहता तो ये दो स्टेप्स जरूर करके देख लीजिए. तो ये जे की वैल्यू मैं यहां पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर से वन में बेटा. सब्स्टिट्यूटिंग जे इन इक्वेशन वन बेटा. रो आपके पास आ गया ई अपॉन एन ई वी डी बेटा. दिस इज देयर. अब बेटे वेरी इंटेलिजेंटली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से उठा लीजिए, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए. यू विल गेट दैट रो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन ई वी डी अपॉन ई आपको पुत्र करना पड़ेगा. और थोड़ा सा और ध्यान देंगे अगर आप, इट विल बी वन अपॉन एन ई. देखिए आप वी डी अपॉन ई करके एडजस्टमेंट कर सकते हो. और दिस इज नथिंग बट यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी कॉल दिस एज अ मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स बेटा. म्यू आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. रो विल बी वन अपॉन एन ई इंटू म्यू बेटा. ये बेटे काफी बार सीबीएसई में रिलेशनशिप पूछा गया है तीन नंबर में. यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल डीलिंग विद रिलेशनशिप. तो अगर तो सिंपली पूछ लें, प्रूव कर दीजिए वी डी इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू टाउ अपॉन एम. एक रिलेशनशिप हो गया. सेकंड आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. थर्ड जे का रिलेशनशिप जो हमने बिगनिंग में डिराइव किया. फोर्थ वन आपका ये हो गया. एक छोटा सा और रिलेशनशिप बचा पड़ा है मेरे पास. दैट इज बेटे योर कंडक्टिविटी एंड एन ई म्यू. कई बार वो रेजिस्टिविटी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि कंडक्टिविटी के साथ आप एन इंटू ई इंटू म्यू को रिलेट करके बता दीजिए. सो आइए देखें बेटा कंडक्टिविटी. दो ही स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है. कंडक्टिविटी इज सिग्मा एंड एन ई म्यू. इनको आप बेटा कैसे रिलेट कर सकते हो आइए देखिए. आपने प्रेजेंटली देखिए ये कर ही रखा है. रो इज इक्वल टू वन अपॉन एन ई म्यू बेटा. बेटे रो आपका जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ योर कंडक्टिविटी है. आप इसको वन अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. इट विल बी वन अपॉन एन इंटू ई इंटू म्यू बेटा. तो आप इस रिलेशनशिप को उल्टा कर दो, दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी. सिग्मा इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू बेटा. ये मेरा पांचवा रिलेशनशिप बन गया. पहला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, सेकंड था करंट का फॉर्मूला, तीसरा था जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, चौथा ये वाला बेटा रो इज इक्वल टू वन अपॉन एन ई म्यू, और पांचवा सिग्मा इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू. इनमें से एक तो आपका पक्का जो है सीबीएसई में यू विल फाइंड इट इन द एग्जाम्स एज सच बेटा. सो दिस वॉज बेटे समथिंग रिगार्डिंग यूर
रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज विद आर, किसी भी स्टूडेंट को इनके बारे में कोई भी बात बेटी पूछने वाली है तो जरूर बताइए, आई विल बी हैप्पी टू लिसन यूर बेटे पॉइंट्स बेटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इनमें बता दीजिए, अदरवाइज फिर मैं बेटे आगे चलूं थोड़ा डिस्कस करके निकले आगे बेटा। ध्रुव शर्मा, ध्रुव शर्मा बेटे, ध्रुव शर्मा, पावन, गुंजोत, यस बेटे गुंजोत, गुंजोत बेटा, गुंजोत की आवाज सुननी है बेटे, गुंजोत की, गुंजोत भाटिया, आई थिंक वो नहीं हमें सुन पा रहा है, हम तो चलो सुनने के लिए तैयार ही हैं। यस बेटे, चलिए फिर राधिका, राधिका, यस सर, इनमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है तो बताइए। नो सर, आ गया सर। इनको साथ साथ ब्रीफली नोट जरूर करना है बेटा, इन द एंड इट विल बी ए लॉट ऑफ हेल्प फॉर अस बेटे, राइट? हाँ जी सर। चलिए बेटे, इसके बाद बेटे मेरे पास छोटा सा आइडिया है, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, आइए ब्रीफली इनके बारे में भी बात कर लें बेटा, देन थोड़ी और बात करके फिर सेल्स का कंसेप्ट स्टार्ट करें। व्हाट डू वी मीन बाय ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स बेटे, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स बेटा। बेटे जो कंडक्टर्स आपके स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं का मतलब क्या हुआ कि जिनका वी आई ग्राफ जो है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन और आई बी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, दोज ऑल आर ओमिक कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स भी आप कह सकती हो, बिकॉज कंडक्टर्स विल बी ऑफरिंग द रेजिस्टेंस आल्सो। सो ओमिक कंडक्टर्स बेटे आपके सारे के सारे वो कंडक्टर्स हैं वो स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। और डियर चिल्ड्रन, नॉन ओमिक कंडक्टर्स आपके सारे के सारे वो कंडक्टर्स आ जाएंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उसको उसके अकॉर्डिंगली बी आई कर्व आपको नहीं देते हैं। इन नटशेल, इनके लिए नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए आपका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर मैं ग्राफ की ही बात करूं, डिफाइन बाद में कर लेता हूं, आई मे बी हैविंग वी एंड आई और आपका ग्राफ अगर डियर चिल्ड्रन स्ट्रेट लाइन है, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये आपके ओमिक कंडक्टर्स हैं बेटा, और अगर ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसे सेमी कंडक्टर्स में पुत्र हो जाया करता है, आप उल्टा भी ले सकते हो, बी इधर और आई इधर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली हम बी इधर ही लेते हैं, दिस इज बी दिस इज आई, आपका ग्राफ ऐसा चला जाता है सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो ये आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। मैं रिपीट करूं बेटे एक बार फिर से, ओमिक कंडक्टर्स, दीज आर ऑल दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ एंड वी आई ग्राफ फॉर सच ओमिक कंडक्टर्स इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड इफ वी फोकस अपॉन नॉन ओमिक कंडक्टर्स, these do not obey or follow Ohm's law and for these conductors your VI graph is not a straight line, it is a sort of curve. So let me write now beta, the conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductors and the conductors which do not obey Ohm's law are non-ohmic. ओमिक में आपके सारे कंडक्टर्स आ जाएंगे, सारे मेटल्स आ जाएंगे, जितने भी मेटल्स हैं वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं बेटा, और इसमें सेमीकंडक्टर्स आप लिख सकते हो, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स हम लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा,
उसमें ये सारी कर्व्स का हम एनालिसिस करके इसके साथ हम और भी कई पैरामीटर्स को वर्कआउट करने वाले हैं। सो प्रेजेंटली हम यहाँ तक ही अपने आप को रोकेंगे कि ओमे कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमे क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकते हैं। सो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एक छोटा सा और कंसेप्ट है बेटे, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं। थर्मिस्टर्स आप लोगों ने कभी सुना होगा या देखा भी होगा कि कई बार हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं जिनका जो अपने आप ही रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करके बंद हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए वो चल पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर देते हो तो आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहता है, अगर उससे ज्यादा कूल होने की कोशिश करेगा वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और द मोमेंट टेम्परेचर इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर में बढ़ने लगे आपका रेफ्रिजरेटर फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से पावर का काफी ज्यादा सेविंग हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बेटे इंडस्ट्री में कई, रादर केमिकल इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं, केमिकल इंडस्ट्री में कई बहुत बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स लगे होते हैं जिन प्लांट्स का टेम्परेचर काफी हाई होता है, इंटीरियर कोर में हम उनके नजदीक नहीं जा सकते हैं काफी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, बट आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको टेम्परेचर को बार बार देखना पड़ता है कि अगर टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ गया या कम हो गया, आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ने और कम होने से प्रोडक्ट का नेचर कंप्लीटली बदल जाया करता है। सो इन द केस ऑफ द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस बेटा, वी कैन नॉट अडॉप्ट और वी कैन नॉट मैनेज टू चेंज द टेम्परेचर बाई इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द डिग्री सेंटीग्रेड बेटे। इन सच केसेस व्हाट इज डन, वहां पे एक बेटे टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट लगा दिया जाता है जिसमें थर्मिस्टर लगा रहता है, और थर्मिस्टर क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाएगा वो उसको ऑटो कट कर देगा और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और अगर बात करें अब थर्मिस्टर्स की, थर्मिस्टर्स चीज क्या है, थर्मिस्टर्स बेटे कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी रेजिस्टिविटी, मैं जरा जोर दे के बोल रहा हूँ रेजिस्टिविटी, थर्मिस्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी स्लाइट चेंज इन द टेम्परेचर के साथ अब्रप्टली बदल जाया करती है, बढ़ जाया करती है या कम हो जाया करती है। और डियर चिल्ड्रन, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कल हमने बात की थी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में भी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो थर्मिस्टर्स हमारे कुछ इस तरीके के बेटे डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस की रेजिस्टिविटी स्लाइट चेंज इन द टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा बदल जाया करती है, और यही इसकी प्रॉपर्टी हम अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए इसको यूज करते हैं। इसको आप लार्ज इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स में लगा देते हो ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे, या आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है इसमें ऑटो कट यूनिट्स में भी ये लगा दिया जाता है तो वहां पे भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तीसरी बात बेटा, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो अल्फा बार कलम ने किया था, दैट मे बी नेगेटिव, दैट मे बी पॉजिटिव आल्सो बेटा। और ये बेटे बीड की शेप की शेप के होते हैं, एक सिंपल बीड आपने मोती देखा होगा, इस शेप के ये थर्मिस्टर्स हुआ करते हैं, इनको सिंपली लगा दिया जाता है और आपको फिर बेटे ज्यादा टेम्परेचर जहां पे आपका इंडस्ट्री में लगा हुआ है उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हाई टेम्परेचर को हम अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। सो बेटे ये छोटा सा थर्मिस्टर का कंसेप्ट था, इसमें कोई भी मैथमेटिकल बात करने वाली नहीं थी, दैट इज वाई आई हैव नॉट रिटन समथिंग ओवर हियर। इसको एक बार पढ़िए ध्यान से बुक से, और बुक से पढ़ने के बाद आप इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं उनको जरूर देखिएगा। एक बेटे बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट और है, मेसनर्स इफेक्ट बेटा, ये भी मैं बात करना चाहता था आपसे बेटा। मेसनर्स इफेक्ट क्या है, मेसनर्स इफेक्ट,
आपके पास एक बेटे मेटल का रिंग है, मान लीजिए मेटल का रिंग आपने रखा हुआ है किसी रीजन ऑफ स्पेस में। इस रीजन ऑफ स्पेस में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डियर चिल्ड्रन लगा रखा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी रिंग के बीच में से पास करके चली जाएंगी। मैं रिपीट करूं बेटा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये रादर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बेटा, और डियर चिल्ड्रन ये आपका एक रिंग, मेटल का बना हुआ रिंग आप अज्यूम कर सकते हो। अब आपने क्या किया, इस रिंग का टेम्परेचर कम कर दिया, डाउन कर दिया, डिक्रीज कर दिया। एक टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, बेटे टर्म आती है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा, इसको टी के साथ सबस्क्रिप्ट सी डाल दिया जाता है, टी सी बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बेटे वो टेम्परेचर होता है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे डियर चिल्ड्रन, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, इस मेटल का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, इट लूज इट्स रेजिस्टेंस, और ये एक सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसको बेटे क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। मैं फिर रिपीट करूं, जैसे बेटे मान लीजिए दिस इज द रिंग, गोल्ड रिंग है ये, अगर आप इसका टेम्परेचर एक खास वैल्यू से कम कर दोगे, ये इसका जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, गोल्ड का रेजिस्टेंस वैसे कम होता है, तो जो थोड़ा बहुत होगा भी वो भी खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम सुपर कंडक्टर। आपको और बता दूं, मरकरी मेटल आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मरकरी 4.13 केल्विन, रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन 4.13 केल्विन, बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 273 केल्विन होता है, तो लगभग ये आपका 270 डिग्री नेगेटिव में चले जाइए, उतना टेम्परेचर कम ये है। सो बात कर रहे थे मरकरी की, मरकरी मेटल जो है ये इतने टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, और इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इस टेम्परेचर को बेटा, ये जो है इसको टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। मैं रिपीट करूं बेटा वंस अगेन, काफी छोटी छोटी टर्म्स इसमें इकट्ठी हो गई हैं, बात कुछ और कर देते, पहुंच कहीं और गए हैं। मरकरी है लिक्विड फॉर्म में मेटल एग्जिस्ट करता है, अगर आपका टेम्परेचर इसका 1.43 केल्विन कर दोगे, ये रेजिस्टेंस अपना लूज कर देगा। लूज करने का क्या मतलब है बेटा, मान लीजिए आपने इतने लो टेम्परेचर पर मरकरी रखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा करंट दे देते हो, अगर आप इसका टेम्परेचर इतना ही रखते हो, आपको 100 साल के बाद भी वो करंट मिल जाएगा, दैट विल नॉट डिके। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ही नहीं है। That is what do we mean by superconductivity या superconductors या critical temperature. So dear children, जितने भी आपके metals हैं या आपके compounds भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं metals ही होंगे बेटा, जिस temperature पर ये अपना resistance completely खत्म कर दें, lose कर दें, that temperature is called critical temperature. ये जो property है अपना resistance बिल्कुल zero कर देने की, खत्म कर देने की, That is called बेटा सुपर कंडक्टिविटी। और जो मटीरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, that is called सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स को आपको बेटा सुपर कंप्यूटर्स में यूज करते हो, आप इसको पावर लॉस जिन पावर लाइन्स में नहीं होता वहां पे यूज करते हो, कंप्यूटर्स के मदर बोर्ड्स में भी आप इनको यूज किया करते हो, आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, आप लैब में जाते हो, आपको कहा जाता है कि टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, उससे ज्यादा नहीं करना, अदरवाइज फिर अगर आप ज्यादा करते हो तो आपका डिवाइस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, समथिंग लाइक दैट। सो बीच में आपका सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट बेटा डिस्कस हो गया, बात कर रहे थे मेसमर इफेक्ट की,
अब हमने टेम्परेचर इसका जो है इस रिंग का, इसको टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ले गए हैं, तो होगा क्या, जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से जा रही हैं, दीज आर पुश्ड आउट बेटा, और फिर होगा क्या बेटे, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेसनर्स इफेक्ट की बात करूंगा मैं, आपका रिंग है और रिंग को आपने एट ए टेम्परेचर मोर देन और इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ले गए हो, आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं दीज आर पुश्ड आउट बेटा, आपकी जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखिए इसके अंदर से जा रही थी, अब इन लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर से जाना जो है क्रिटिकल टेम्परेचर ने प्रोहिबिट कर दिया है, और आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं दीज आर नॉट मूविंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ दिस रिंग, इस प्रॉपर्टी को मेसनर्स इफेक्ट कह देते हैं बेटा। रिपीट करूंगा मैं बेटा एक बार फिर से, मेसनर्स इफेक्ट बेटे हमें कहता है कि अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा नीचे टेम्परेचर पर ले जाएं, तो उसमें से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, वो उनको अपने में से बाहर निकाल देता है, पुश आउट कर देता है, दिस इज बेटे अवर मेसनर्स इफेक्ट बेटा। सो डियर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स बेटा, किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना है तो जरूर बताइए बेटा, एनीवन फ्रॉम योर साइड हैविंग एनी डाउट एनी पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, यस बेटा, मानविया राधिका रोहन सक्षम गुंजोत भूमिका वंशिका क्षितिज लक्ष्य एंड सिया तनवीर वंशिका भूमिका गुंजोत आदित्य, आई थिंक बेटा सबको क्लियर है। सो करना मैं चाहता था आगे काम, बट अब टाइम, चलिए हेडिंग वगैरह लिखते हैं थोड़ा, एक दो मिनट अभी है। इस इन बेटे छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बाद हमारे पास बेटे हमारे जो सेल्स हैं और सेल्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका कंसेप्ट आ जाया करता है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, बाकी कल कर लेंगे। हमारे सेल्स जो है इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी कर लेते हैं बेटा, सेल्स एंड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बेटे, सेल क्या चीज है, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये बेटे सिंबल आपका सेल के लिए है, पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल है। बेसिकली सेल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में आपने एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये डिप किया हुआ है, एंड वन टर्मिनल जो है दैट इज बेटे एट हायर पोटेंशियल एंड द अदर टर्मिनल इज एट द लोअर पोटेंशियल, एंड इन दिस मैनर बेटा ये जो इंटरमीडिएट आपका लिक्विड है वी टर्म दिस एज द इलेक्ट्रोलाइट, और when we will be making use of this electrolyte beta, what will happen due to the flow of the electric charge carriers through this electrolyte, it will be offering some internal resistance to this also beta, so basic c terms hain beta iske sath related hum baat karenge detail mein, ye sirf aapko main symbol wagaira hi bata raha tha, symbol hai ye vessel hai, वेसल में इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बेटा, और हम इसको सर्किट में यूज करके इसकी सप्लाई को इसकी पावर को इसकी वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल लेटर ऑन बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटा, थैंक यू ऑल बेटे एंड थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल।